एक बड़ी डेवलपमेंट हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में होने वाली है, ये अगले साल होगी और ये अगले साल नहीं, अब ये साल चल रहा है, अगले महीने हो सकती है, मार्च तक ये डेवलपमेंट हो सकती है। हमारी कटरा से कश्मीर तक यानी श्रीनगर बारामूला तक जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल हो जाएगा, इस पे खड़ी का एक पड़ाव था। बिल्कुल, इस हवाले से कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो है इसका इंस्पेक्शन उन्होंने किया और आपको बता दें कि बानहाल से खड़ी तक जो सेक्शन है करीबन 14.869 किलोमीटर का, इस हवाले से उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है इसको जोड़ दिया जाएगा और खारवी रेलवे स्टेशन जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन में है और बानहाल और कटरा को आपस में जोड़ता है। और आपको बता दें कि बानहाल खड़ी रेल सेक्शन जो है इस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। और आपको बता दें कि इस हवाले से हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और उससे हम ताज़ा तफसील लेंगे। आपको बता दें कि मायने के बाद ये रेल जो है, रेल लिंक जो है, ये खुले जाने का इम्कान है और फिलहाल लोगों को बानहाल खड़ी ट्रैक से दूर रहने की हिदायत दी गई है और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही इस रेल लिंक को जी बिल्कुल लोगों के लिए खोला जाए। कह सकते हैं हम जम्मू श्रीनगर रेलवे ट्रैक या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब रेल का जो ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा और ये हमारे लिए बड़ी है क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस जब चलेगी, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस बड़ी फास्ट ट्रैक मानी ट्रेन मानी जाती है और जब वो शुरू होगी, क्योंकि परसों भी खुद वज़ीर आज़म ने बताया कि वंदे भारत जो है वो कश्मीर तक जाएगी, तो एक तो जम्मू जाने का जो बार बार परेशानियाँ होती थी वो कम हो जाएंगी और उसके साथ साथ कम जाने की परेशानी कम नहीं बल्कि सफ़र पर जो परेशानियाँ होती हैं सफ़र के दौरान जो बाय रोड सफ़र करते उस दौरान परेशानी जो कम होंगे। और जब किसी को जाना होगा सुबह जाएगा ट्रेन में बैठेगा चार घंटे में जम्मू, शाम को बैठेगा ट्रेन में चार घंटे में कश्मीर, तो ये खड़ी बीच में ये सबसे खतरनाक एरिया है, 15 किलोमीटर का लगभग का एरिया है और इस एरिया में ट्रायल रन अब हो चुका है, क्या कुछ निकल के आता है। आरिफ वहीद वहां पे कल इस सारे मामले को नजर रखे थे, बहुत शुक्रिया आरिफ। चलिए ये मामला जो है इस पर हम बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, तो ये जो मामला है इस पे बहुत ज्यादा हमें चलना पड़ेगा। आरिफ से हमारी बात नहीं हो पा रही है, चलिए जरा फोन लाइन पे ले आइएगा आरिफ से जानेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर है 5G नेटवर्क चल रहा है और 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी का नया टेक्नोलॉजी का दौर है, डेवलपमेंट का दौर हम इसे कह सकते हैं और डेवलपमेंट के दौर में हम बराबर कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह 5G नेटवर्क जम्मू कश्मीर में कोशिश करते हैं लग जाए, लेकिन होते नहीं हैं। तो टेक्नोलॉजी में हमारे जो LG साहब हैं जरा इसकी तरफ भी ध्यान दें कि हम टेक्नोलॉजी के दावे करते हैं तो क्या होता है। जरा आरिफ वहीद से बात करा दिया, आरिफ क्या आप कल जो वहाँ पे इंजीनियर्स गए थे, किस तरह का रेलवे ट्रैक है, कितना फेज, 15 किलोमीटर का जो अप्रॉक्सिमेट खड़ी ट्रैक जो है ये अब कितना मुकम्मल है और क्या ट्रेन अब खड़ी बारामूला से खड़ी पहुंच सकेगी? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से कल कमिश्नर सेफ्टी रेलवे की जानिब से जो है बानिहाल से लेकर खड़ी तक का जो 15 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसको मायना किया गया और उसमें ये देखा गया जिसमें तकरीबन 3-4 ब्रिजेज है, कई तकरीबन 4-5 टनल्स है, उसमें सेफ्टी के हवाले से जो है कल पूरे दिन जो है वो मॉनिटरिंग की गई क्या ये पूरी तरह से फीजिबल है। लेकिन उसमें जब आखिर में खड़ी रेलवे स्टेशन तक जो कमिश्नर सेफ्टी पहुंचे उनका मानना है कि अब जो है सर्टिफिकेट जो है इसको प्रोवाइड की जाएगी हरी झंडी के रिलेटेड और उम्मीद है कि अब श्रीनगर से या बारामूला से जो ट्रेन है वो बानिहाल स्टेशन से आगे 15 किलोमीटर खड़ी रेलवे स्टेशन तक भी जो है पहुंच सकती है। उसके अलावा जो खड़ी से आगे जो सुमड़ का रेलवे स्टेशन है वो भी कई दिनों के अंदर जो है उसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है और उम्मीद है कि आने वाले कई महीनों के अंदर जिस तरह से कमिश्नर सेफ्टी का मानना था कि अब कटरा से श्रीनगर की ओर जो है इस रेल लिंक को जो है पूरी तरह से बदरी ट्रेन जो है वो जोड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरह से अब ये सेफ्टी के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं उसके चलते उम्मीद है कि मुस्तकबिल में जो है लोगों को ट्रेन सर्विस के हवाले से सफर में एक बड़ी आसानी देखने को मिल सकती है। सनम, कई महीनों के, मेरी उम्मीद तो दिनों में है, मैं कहता हूँ कुछ दिनों में ही यानी जनवरी और फरवरी में ये मुकम्मल हो जाएगा, तो क्या इससे ज्यादा टाइम इसको लग सकता है? देखिए सनम, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से आपने कहा जिस तरह से आज कल जो बनियाल से लेकर खड़ी तक का जो 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसी तरह से आगे में कई ऐसे छोटे छोटे मिनी रेलवे स्टेशन है जहां पर उसको जो है सेफ्टी के हवाले से पहले देखा जाएगा, जिस तरह से इसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी कि बानियाल से लेकर खड़ी तक ये
अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हरी झंडी उसको दिखाई जा सकती है। तो इसी तरह से कई जगहों पे अभी छोटा छोटा काम जो है वो करना बाकी है, लेकिन ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसमें अगर कोई स्पेसिफिक कोई दिन आदमी ये कहेगा कि इस दिन जो है ट्रेन चलेगी तो वो भी शायद सही नहीं होगा। इसमें जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में कटरा से उधमपुर जो है या श्रीनगर से उधमपुर की ओर जो है रेल चल सकती है, जहां पर पैरेलल में नेशनल हाईवे में भी आप चीज। और हमारे नाजरीन को थोड़ी नॉलेज में, मेरी नॉलेज में भी इजाफा कर दीजिएगा, बारामूला से श्रीनगर, बड़गाम, बड़गाम से नौगाम, नौगाम से आगे जाके आपका बनिहाल आ जाता है, एक ट्रैक बनिहाल तक जो रेलवे ट्रैक मैं जानता हूँ। इस ट्रैक के बाद अब अगला पड़ाव खड़ी आ जाएगा, खड़ी के बाद कौन सा पड़ाव एक आएगा और उसके बाद कौन सा पड़ाव, यानी हमारा जो उधमपुर का रेलवे स्टेशन है वो अभी कितना और दूर है? सर बिल्कुल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये तकरीबन जो 111 किलोमीटर का ये जो स्ट्रेच है, इसमें जो खड़ी का जो एरिया है, खड़ी का जो एरिया है जब श्रीनगर से यानी काजीगुंड का स्टेशन, काजीगुंड के साथ बनिहाल, बनिहाल के साथ में खड़ी, यानी बनिहाल में जो आखिरी पड़ाव जो आज तक बारामूला, बड़गाम या जो भी सफर करते थे बनिहाल में उतरते, अब वो आगे 15 किलोमीटर जो है खड़ी एरिया में उतर सकते हैं। लेकिन अब वहां पर सड़क की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन अभी बनिहाल में ही कुछ लोग प्रेफर करेंगे अगर फिर वो बाई रोड जम्मू जाना चाहते हैं। लेकिन खड़ी 15 किलोमीटर, बनिहाल से खड़ी 15 किलोमीटर, उसके आगे सुमड़ में भी तकरीबन जो बड़ा एक स्टेशन है, तो वहां से भी जो है लोगों को फ्यूचर में एक आसानी मिल सकती है। और कहीं ना कहीं आप इसमें सेफ्टी के हवाले से देखा जा रहा है, ओवरऑल अगर देखे तो इसमें मुस्तकबिल में जो है एक सफर में एक बड़ी आसानी जो है देखने। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं जो हमारे व्यूवर्स जरूर खासतौर पर जानते हैं, यूजुअली जब आदमी कश्मीर से निकलता है तो वो बनिहाल रेलवे स्टेशन उतरता है जम्मू जाने के लिए, तो वहां पे वो सोमो वगैरह लेके बाय रोड चलता है, तो ये रामबन का स्ट्रेच जो था ये बड़ा परेशान करता था, यूजुअली यही बंद होता था। अब ये जो बनिहाल से लेके रामबन का रामसू वगैरह का, तो अगर कोई आदमी यहाँ से जाए तो खड़ी से उतर जाए तो क्या ये बाईपास हो जाएगा रामबन का, वो सीधा ये रामसू वगैरह का स्ट्रेच वो सीधा खड़ी से फिर रामबन पहुंच सकता है, जो बीच में वो पत्थर वगैरह आते हैं स्लाइडिंग वगैरह होती है उससे बाईपास हो जाएगा? जी सर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो खड़ी का स्टेशन है, जब वहां से भी गाड़ियां निकलेंगी तो उनको नाचलाना के साथ में जो है हाईवे के साथ टच करना पड़ेगा, उसके साथ फिर रामसू का इलाका जो है उनको वहां से गुजरना है हाईवे के थ्रू। लेकिन जो सुमड़ वाला जो स्टेशन है, जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो स्लाइड वाला एरिया जो है वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम यूं कहें कि जब हम रेलवे और फोरवे के सफर को आप कंपेयर करते हैं, जब एक साइड में जो टनल्स और जो बन रही है जो अब मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर लोग भी ज्यादा प्रेफर जो है नेशनल हाईवे पे भी जो है लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे सफर करने के। और चूंकि आज जहां बनिहाल से लेकर रामबन तक तकरीबन 3 घंटे लगते थे, आज सिर्फ 40 मिनट में जो है बनिहाल से रामबन तक कोई भी शख्स जाता है। लेकिन जब ये मुखालिफ हिम्मत में जो जब वो भी मुकम्मल हो जाएगी तो हाईवे पे भी सफर में आसानी मिल सकती है।